क्या? आज सुबह 8 बजे करीब ग्रामीण द्वारा जानकारी मिला SKMCS कैंपस कॉलेज के पीछे नर्सरी के बगल में एक युवक की हत्या करके और दीवार साइड में रखा गया। हम लोग आए, थाना को सूचना दिए और थाना वाले आए, डेड बॉडी को उठा के पोस्टमार्टम में लाए और हम लोग उनको मोहल्ला में घुमाए, जो कि शंका हो रहा है, पूरे ग्रामीण को शंका है कि युवक को हत्या गांव में करके और डेड बॉडी को उसको कैंपस के अंदर डाला गया है। जो पहचान जो प्रूफ आया है, रोड में पूरा छीटा मिला है, खून का धब्बा मिला है और उसका बाउंड्री के ऊपर जो लगा है उस पर बाउंड्री पर पूरा दाग है, धब्बा है। अब उसमें अभी तक युवक को पहचान नहीं हो पाया है या उसके कहीं किसी को जानकारी नहीं मिला है कि युवक कहाँ का है और घटना का कारण क्या पता नहीं चला है। थाना प्रभारी महोदय से आश्वासन मिला है कि हम डॉग मंगा रहे हैं, उसका जाँच करवा रहे हैं, जाँच करने के बाद तो जो प्रक्रिया होगी। ये घटना जो है प्रथम घटना नहीं है इस एरिया में। आए दिन ये घटना होती है, कभी 4 लेन पर होता है, कभी मेडिकल के पीछे होता है, कभी बाहर में होता है। लेकिन वो भी होता है कि अभी घटना हुआ तो लोग आए और देखे कि भाई इसका जांच हो रहा है, बाद में फिर प्रक्रिया ख़त्म हुआ और फिर इस पर कोई अमल नहीं किया जाती है। तो हम लोग तो ग्रामीण मैंने समझिए कि भयभीत बराबर रहते हैं कि कहाँ के लोग आता है, क्या होता है, कहीं ग्रामीण फंस जाए या ग्रामीण के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो हम लोग प्रशासन से कहते हैं कि ताकि इसका उचित जांच होना चाहिए और उस पर कार्रवाई होना, जो जांच पर जो सामने आता है, दोषी आता है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या नाम है? सुरेश पासवान, मुखिया ग्राम पंचायत बिकनपुर मुसहरी मुजफ्फरपुर। जानकारी मिली कि लगभग 25 साल का एक युवक है, इसका डेड बॉडी वो मेडिकल कॉलेज के पीछे नर्सरी के पीछे में वहाँ झाड़ी में बाउंड्री किनारे रखा हुआ था। लगता है कि उसको बाउंड्री के पीछे मोहल्ला के तरफ से उधर कहीं से ला के वहाँ पर रख दिया है। अभी तक तो अज्ञात है और आगे के अनुसंधान के लिए हम लोग डॉग स्क्वाड का मदद ले रहे हैं। डॉग स्क्वाड आने पर आगे कार्रवाई और अनुसंधान में पता चलेगा।